हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 2 10+1 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर वो शुरू करन जा रहे हैं। बेटा एटम दे स्ट्रक्चर दी डिटेल्स नू अपन शुरू तो लेके हुन तक की इंप्रूवमेंट्स हो चुकी हैं वो सारा इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर दी शुरुआत हुंदी है डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी दे नाल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे अनुसार एटम जिहड़ा है सब तो फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल है। दुनिया दी सारियां चीजां एटम्स दे नाल ही मिलके बनी है। ते डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे अनुसार ए समझिया जांदा सी कि एटम नू छोटे पार्टिकल्स दे विच डिवाइड नहीं कीता जा सकदा। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम नू इनडिस्ट्रक्टिबल मन्निया जांदा सी कि एटम नू नष्ट भी नहीं कीता जा सकदा। पर हुण जे आपां अजकल दी दुनिया च देखदे हां, नाउअडेज वी नो कि एटम दे कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करदे हैं, जिवें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ते होर कई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हां बारे अज दी डेट च आपां जानदे हां, जिवें बोसोन है लाइक। तो हुण फर्स्ट चीज जो आपां इस चैप्टर च पढ़नी है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 19th सेंचुरी दे विच जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स दी खोज कीती सी। उन्हें सब तो पहला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कीते सी। ता एथे आपां पहला डिस्चार्ज ट्यूब नू समझदे हां कि डिस्चार्ज ट्यूब की हुंदी है। डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड सिलेंड्रिकल ग्लास दी बनी हुई ट्यूब हुंदी है, जिंदे दोनों एंड्स ते मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट कीते हुंदे हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब दे विच गैस फिल कीती जा सकती है ते गैस दा जिहड़ा प्रेशर है उन्हों आपां एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप दी मदद नाल जिन्नी गैस आपां डिस्चार्ज ट्यूब चो बाहर कढ लांगे उन्ना ही प्रेशर उहदा डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी एडजस्टेड विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा ए है डिस्चार्ज ट्यूब दी एनिमेटेड पिक्चर। ग्लास दी बनी हुई है, कच दी बनी हुई है ते इंदे विच एक वैक्यूम पाइप लग्या हुआ है। इस वैक्यूम पाइप दी मदद दे नाल गैस दा प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब उन्हों आपां रेगुलेट करदे हैं। दोनों एंड्स ते मेटल दे इलेक्ट्रोड्स हुंदे हैं, जेड़े इलेक्ट्रोड नू बैटरी दा नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़िया जाता है उस इलेक्ट्रोड नू आपां कहिंदे कैथोड, और जिहड़े टर्मिनल नू आपां पॉजिटिव दे नाल कनेक्ट करदे हां उहनू आपां कहिंदे हां एनोड। इत्थों दी काफी हाई वोल्टेज जिहड़ी है गैस दे विचों दी लंघाई जांदी है। तकरीबन 10 kV तो लैके 20 kV तक दा पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन कीता जांदा है। जदों आपां शुरू दे विच इहदे चों करंट लंघाउण दी कोशिश करदे हां ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਕੰਡਕਟਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਾਊਟ 0.001 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋ ਜਿਹਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रेडिएशन्स जनरेट होनिया शुरू होंदी है। इन्हां रेडिएशन्स नू, इन्हां रेज नू कैथोड रेज कहा जांदा है, जो कि कैथोड तो शुरू होके एनोड वल चलदी है। अपने क्वेश्चन पेपर दे विच डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नू जदों आपां डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है तो कुछ इस तरीके दा डायग्राम बनाना है। द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कैथोड, ते दूसरे टर्मिनल नू आपां कहना है एनोड, ते आ जिहड़ा पाइप आउटलेट है ए रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम पंप नू, जिंदी वरतों डिस्चार्ज ट्यूब दे विच्चों गैस दा प्रेशर घटाउण दे विच कीती जांदी है। हुण ऑब्जरवेशनस किहड़ियां किहड़ियां आपां डेफिनेटली उत्थे पेपर च लिखनियां है, दैट इज कि नॉर्मल प्रेशर ते गैस नॉन कंडक्टिंग रहती है, हालांकि जिन्नी मर्जी हाई वोल्टेज अप्लाई कर लिती जावे। पर जिवें ही प्रेशर लो किया जाता है अबाउट 10⁻²⁺ एटमोसफेयर गैस कंडक्टिंग बन जाती है, जिंदा पता किदा लगता है कि ट्यूब दे विच इत्थे ग्लो करन लग जाता है, एक अपीयर हुंदा ग्लो। तो इस
ग्लो दा जिहड़ा कलर है वो डिपेंड करेगा कि केड़ी गैस डिस्चार्ज ट्यूब दे विच फिलअप कीती गई है। तीसरी और सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी ऑब्जरवेशन है कि जदों गैस दा प्रेशर बहुत ही ज्यादा घटा दिता जाता है अबाउट 10^-4 एटमोसफियर तां ये ग्लो वीक हो जाता है। ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज वीकेंड। एनी रिड्यूस्ड प्रेशर से जदों इलेक्ट्रोड्स दे विचकार दा ग्लो फेंट हो गया तां उसके बाद आपां देखते हैं कि एनोड जे उनके विच परफोरेशन कीती हुई है, मतलब ये है कि एनोड दे विच जे होल्स बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, तां उन्हां दे विचों दी कैथोड रेज निकल के एनोड दे पिछे वाली ग्लास वॉल दे उत्ते एक ग्रीनिश जा ग्लो अपीयर हुंदा है, फेंट ग्रीनिश ग्लो जा अपीयर हुंदा है। इनू फिर फर्दर चेक किया जाता है जे आपां एनोड दे पिछे वाली दीवार नू, ग्लास वॉल नू जिंक सल्फाइड नाम दे फ्लोरेसेंट मटेरियल नाल कवर कर दिए तां असीं देखदे हैं कि उत्थे एक ग्लो अपीयर हुंदा है। इत्थों एक कंक्लूजन निकलदा है कि जिहड़ा ग्लो अपीयर होया वो क्यों होया, क्योंकि कुछ रेज वो कैथोड तो ट्रैवल कर रही हैं तो वो ग्लास नू बम्बार्ड कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जदों कैथोड तो रेडिएशन निकल दिया हैं ते वो ग्लास दिया दीवारा नाल डिस्चार्ज ट्यूब दिया दीवारा नाल टकरांदी हैं तां उदों एक ग्लो अपीयर हुंदा है। इन्हां रेडिएशन नू नाम दिता गया कैथोड रेज का। हम छोटिया क्लासेस च भी हालां आपां पढ़िया होया पर फिर भी आपां दोबारा तो स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज दियां कुछ खास प्रॉपर्टीज हुंदियां हैं। कैथोड रेज वैसे तां इनविजिबल हुंदियां हैं, इन्हां नूं देखिया नहीं जा सकता, बट ट्रैवल कर दियां वो स्ट्रेट लाइन दे विच। किवें पता लगदा है? क्यों? जे उन्हां दे आपां रस्ते विच कोई ऑब्जेक्ट रख दिंदे हैं तां उंदी शैडो कास्ट कर दियां कैथोड रेज, जिवें इस डायग्राम दे विच शो किया गया है कि कैथोड तो निकलन वालियां रेडिएशन रेज, कैथोड रेज दे रस्ते च जे आपां कोई मेटल ऑब्जेक्ट रख दिंदे हां तां उंदी इक शैडो कास्ट हुंदी है ऑन द ग्लास वॉल। कैथोड रेज दी एक बहुत ही खास अहम प्रॉपर्टी हुंदी है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। इन्दा मतलब ये है कि जे कैथोड रेज दे रस्ते दे विच कोई हल्का जा पैडल व्हील रख दिता जाता है तां कैथोड रेज उस पैडल व्हील नू घुमा दिंदी है। घुमाण दा मतलब ये है कि उन्दे च रोटेशन क्रिएट हो जाती है। हुण सोचण वाली गल यही है कि कैथोड रेज दे विच कुछ तां पार्टिकल्स होणगे जिन्हां ने आ मैकेनिकल इफेक्ट कॉज कीता है। जे कैथोड रेज दे रस्ते दे विच कोई एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तां कैथोड रेज अपने रस्ते तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इन्हां मतलब दे चेंज देयर पाथ। हुण कैथोड रेज नू जिन्नी वारी भी टेस्ट किया गया वो हमेशा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव फील्ड वाल शो कर दिया सी। इन्हां मतलब ये है कि इन्दे पार्टिकल्स दे उत्ते डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है तां ही वो पॉजिटिव प्लेट वाल डिफ्लेक्ट होंदी है। जिस तरह कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच डिफ्लेक्ट होंदी है उसे तरह जे मैग्नेटिक फील्ड उन्हां दे रस्ते दे विच रख दिता जाए नॉर्थ पोल ते साउथ पोल तां कैथोड रेज फिर मैग्नेटिक फील्ड दे विच डिफ्लेक्शन शो करदी है। कैथोड रे दी अगली जिहड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जे किसी सरफेस दे उत्ते कैथोड रेज आके स्ट्राइक करदी है तो सरफेस गर्म हो जाएगी। दे कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज नू जदों किसे हार्ड मेटल हैवी मेटल दे नाल टकराया जाता है तां वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर दी है। हैवी मेटल जिमें कि टंगस्टन। नेक्स्ट जेडी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज दी दैट इज कि कैथोड रेज फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर दी है। इन्दा मतलब ये होया कि कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल हुंदे है जिहड़े लाइट नू एब्जॉर्ब करदे है ते एब्सेंस ऑफ लाइट दे विचों ग्लो करदे है। कैथोड
कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, मतलब कैथोड रेज फ्लोरेसेंट मटेरियल से जो पैन गया तो मटेरियल ग्लो करन लग जाएगा, चमकन लग जाएगा। कैथोड रेज जड़ी है वो एल्यूमीनियम ते होर हल्कियां मेटल्स दियां बरीक बरीक शीट्स दे विचों पेनीट्रेट कर सकती हैं, जिवें बुलेट जड़ी है वो शीशे नू पेनीट्रेट कर जाती है या अपनी बॉडी नू पेनीट्रेट कर जाती है। इसे तरीके नाल कैथोड रेज थिन मेटल शीट्स नू पेनीट्रेट कर सकती हैं। लास्टली कैथोड रेज जड़ी हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट नू भी अफेक्ट कर दी हैं, फोटोग्राफिक फिल्म नू डार्कन कर देंदी है। हुण आपां कैथोड रेज दी वो प्रॉपर्टी करनी है जिहड़े अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल नू आंसर करेगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तो इलेक्ट्रॉन दी खोज किवें हुई। हुण कैथोड रेज दी एक जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है ना, वो ए है कि कैथोड रेज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ते या नेचर ऑफ गैस ते डिपेंड नहीं करदी। कैथोड रेज जिहड़ियां है वो केड़ा मटीरियल दा इलेक्ट्रोड बनया है इस ते डिपेंड नहीं करदियां, केड़ी गैस डिस्चार्ज ट्यूब ते भरी है उंदी नेचर ते भी कैथोड रेज डिपेंड नहीं करदियां। ते ए देखा गया कि जेड़ी ई बाय एम रेशो है वो कोई भी गैस होवे उंदे लिए सेम सी। ई बाय एम रेशो दा मतलब चार्ज टू मास रेशो। इन्दा मतलब ए होया कि सारियां ही गैसेस कैथोड रेज प्रोड्यूस करन दे कैपेबल है, ते सारियां गैसेस दे विच कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हों लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन कहा गया सी कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल उन्दे च नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है जो सारियां गैसां दे विच कॉमन है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तो ए ता पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हुंदा है जिससे नेगेटिवली चार्ज आपां कह दिंदे कि यह पार्टिकल है। हुण इहदा चार्ज ते इहदा मास अमाउंट विच किन्ना है उसदे लई डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। सब तो पहला जे जे थॉमसन ने ई बाय एम रेशो कढ़ी सी जेड़ी आई 1.76 इंटू 10 रेज पर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। ए रेशो ने किवें कढ़ी, डिस्चार्ज ट्यूब दे विच जदों कैथोड रेज दी प्रोडक्शन हुंदी है ते जे आपां कैथोड रेज दे रस्ते दे विच इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड एक दूजे दे परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू दीज रेडिएशन रख दिने तां असीं इह देखदे हैं कि जे सपोज कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग है तां कैथोड रेज जिहड़ियां वो पॉइंट ए वल यानी कि पॉजिटिव वल पॉजिटिव फील्ड वल डिफलैक्ट हो जांदियां। जे मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग है तो कई बारी वह सी वल। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दियां इंटेंसिटीज बैलेंस कर देंदे हैं तो कैथोड रेज सीधियां पॉइंट बी ते डिफलैक्ट कर दियां। सो इस डिफलैक्शन पैटर्न नू स्टडी करते करते जे जे थॉमसन ने ई बाय एम रेशो कढ़ी सी इलेक्ट्रॉन्स वास्ते जिंदी वैल्यू आई 1.76 इंटू 10 रेज टू पार 11 कूलम्स पर किलोग्राम। ते मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया सी जिस तो उन्हें चार्ज दी वैल्यू डिटरमिन कीती ते चार्ज दी वैल्यू इलेक्ट्रॉन दे उपर आई 1.6 इंटू 10 रेज टू पार -19 कूलम। हुण जे आपां इन्हां दो वैल्यूज नू कंसिडर करदे हां तां फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि ई बाय एम वैल्यू और ई वैल्यू ई वैल्यू नू आपां इत्थे पुट कर देने तां अपने कोले एम वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई बाय एम वी कम टू नो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जड़ा है 9.1 इंटू 10 रेज टू पार -31 केजी दे बराबर आ जांदा है। इलेक्ट्रॉन दा जड़ा भार है ये काफी घट हुंदा है हाइड्रोजन एटम दे नालों। देखिया जावे तो हाइड्रोजन एटम दे भार दे 1/1837 टाइम घट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुंदा है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इन्ना हल्का हुंदा है कि असी उन्दे भार नू ऑलमोस्ट निगलीजिबल ही मानते हैं। हुण अपने कोले इलेक्ट्रॉन दे कुछ पॉइंट सामने आ गए हैं। लेट अस समराइज कि इलेक्ट्रॉन नू किवें डिफाइन किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉन एक अजिहा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिंदे उत्ते 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जिंदी वैल्यू है 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम ते इलेक्ट्रॉन दा पार हुंदा है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम जेड़ा की हाइड्रोजन एटम दे पार दा 1/1837 हिस्सा मन्या जांदा है। इलेक्ट्रॉन दे बाद जड़ा अगला सब एटॉमिक पार्टिकल आपा स्टडी करना है कि किवें डिस्कवर होया वो है प्रोटोन। प्रोटोन दी डिस्कवरी जड़ी है वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो हुई। एनोड रे एक्सपेरिमेंट जिन्हों गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया सी। गोल्डस्टीन ने की चेंज लियांदी उन्हें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दे विच कैथोड नू परफोरेटेड इस्तेमाल किया। कहना मतलब अजिहा कैथोड इस्तेमाल किया जिंदे विच थोड़े होल्स बने हुए सीगे ते उन्हें फाइंड किया कि कैथोड रेज दे ऑपोजिट भी रेज जिहड़ी है ट्रैवल होंदी है नवे तरह दी रेज ट्रैवल होंदी है। इन्हां रेज दा इन्हां नवीं रेज दा नाम लिता उन्हें एनोड रेज। इस डायग्राम दे विच जिवें शो किया गया है कि कैथोड दे उत्तों ता कैथोड रेज निकल ही रही है। कैथोड की खासियत की है कि इत्थे परफोरेशंस है कहने का मतलब है एक जालीदार कैथोड इत्थे लिता गया है। इन्दे विच्चों कैथोड चो रेडिएशंस निकल रही हैं जिन्हों आपां कैथोड रेज कहने हैं। पर इस दे ऑपोजिट एक नवे तरह दियां रेडिएशंस एक नवे तरह दियां रेज जनरेटेड दिखाई दित्तियां दैट वॉज एनोड रे। ए एनोड रे दी जिहड़ी डिस्कवरी है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो ही हुई है। एक्चुअली की हो रहा है कि जदों परफोरेटेड कैथोड दे विच्चों कैथोड रेज निकलदी हैं तां ओह गैस एटम्स जिहड़े इन्हां दे रस्ते दे विच गैस एटम आंदे हैं ओह उन्दे विच्चों इलेक्ट्रॉन नूं बाहर कढ दिंदी हैं ते जिहड़ा पिछे गैस एटम बच गया जिंदे चों इलेक्ट्रॉन निकल गया that is actually now positively charged and they flow towards the cathode. In the utte positive charge aa gaya te eh negatively charged electrode yani ki cathode wale move karange inna nu kehnde hai anode rays. Characteristics of anode rays de vich bete appa eh bilkul jivein cathode rays diyan properties study kitiyan si use tarike naal anode rays diyan properties hai. एनोड रेज की पहली खासियत है कि वह स्ट्रेट लाइन च ट्रैवल करता है। किवें पता लगता है कि एनोड रेज स्ट्रेट लाइन च ट्रैवल कर दी है क्योंकि जे उन्होंने रस्ते च कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो एनोड रेज उनकी शैडो कास्ट कर देती है। दूसरा कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी इलेक्ट्रिक और मैगनैटिक फील्ड के विच डिफलैक्शन शो कर दी है मतलब ये अपना पाथ चेंज कर लैंदी है अपने रस्ते तो मुड़ जाती है जे रस्ते दे विच किते इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए जा मैगनैटिक फील्ड आ जाए। एनोड रेज जिहड़ी है वो मकैनिकल इफेक्ट कॉज कर दी है। इनका मतलब ये होया कि जे इन्हां दे रस्ते च आपां कोई हल्का जा पैडल व्हील रख दिए ते एनोड रेज उन्हूं रोटेट कर सकती है। एनोड रेज भी हीटिंग इफेक्ट कॉज कर दी है। इनका मतलब यह है कि जे आप किसी थिन शीट के उपर एनोड रेज फॉल कराइए तो शीट गर्म हो जाएगी। ई बाय एम रेशो जी एनोड रेज के लिए है दैट इज वेरी स्मॉल स्मॉलर दैन इलेक्ट्रॉन्स। हूँ ई बाय एम रेशो स्मॉल का मतलब की होया जे आ चीज स्मॉल है इनका मतलब एम लार्ज है। M large means mass of proton is more than mass of electron. Electron de layi E by M ratio bahut zyada hundi hai. Zyada E by M ratio da matlab ki hai ki mass ghat hai. That means electron halke hai. Ye aap pehle hi padh chuke hain. So anode rays de layi E by M ratio smaller than electron hundi hai. Aur E by M ratio jehdi hai o nature of gas te depend nahi kardi. It will be having different values for different gases. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.6 × 10⁻¹⁹ ਕੂਲਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ?
बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ते जिहड़ी ई बाय एम रेशो है ए आपां नूं जिहड़ा थॉमसन जिस तरह जे जे थॉमसन दे एक्सपेरिमेंट तो कैलकुलेट कीती सी इलेक्ट्रॉन्स दे लई कैथोड रेज दे लई, उसे तरह एनोड रेज दे लई भी ई बाय एम कैलकुलेट कीती गई सी। और ए पता लग्या कि इट इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस, ई बाय एम इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस, और उनकी वैल्यू है 9.58 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलम्स पर किलोग्राम। हुन इन्हां दोनों तो आपां मास ऑफ प्रोटोन कढ सकते हैं, मास की वैल्यू आ जाती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स। एक्चुअली होया कि मास दे केस दे विच जदों आपां मास ऑफ प्रोटोन कहने हैं कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम है, तां ये फाइंड आउट किया गया कि हाइड्रोजन दे लई ए मास जेड़ा है दैट इज वन यूनिट मास जिंदी इन्नी वैल्यू कढ़ी गई है। बाकी गैसेस दे विच की होया कि इस वैल्यू दा होल नंबर मल्टीपल मिलिया। इन्दा मतलब ए होया कि इफ दिस इज मास ऑफ वन प्रोटोन, बाकी गैसेस दे विच दो या तीन या मल्टीपल फॉर्म दे विच प्रोटोन्स हैं। सो इत्थो ए भी पता लगे कि हाइड्रोजन दे विच केवल एक प्रोटोन है। सो प्रोटोन नाउ कैन बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, और जिसका पार 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स हुंदा है। आई होप हुन तुहानू ये समझ लग गया होएगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए और एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो प्रोटोन्स की डिस्कवरी हुई। थैंक यू बेटा।